पहले वक्तों में हमारे बुजुर्ग कुओं का मैला कुचैला पानी पीते थे, 100-100 साल तक जीते थे। अब हम आर ओ से फिल्टर शुदा पानी पी रहे हैं, 40 साल की उम्र में बूढ़े हो रहे हैं। पहले वो कोलू का गंदा मंदा सा तेल खाते थे, बुढ़ापे तक मेहनत मजदूरी किया करते थे, खेतों में हल चलाते थे। अब हम फिल्टर शुदा डबल ट्रिपल फिल्टर शुदा तेल खा रहे हैं, जवानी में हांफते फिरते हैं। पहले वो बड़े बड़े ढेलों वाला नमक पीस के खाया करते थे, कोई मसला नहीं था, सेहतमंद तंदुरुस्त तवाना थे। अब हम आयोडीन फिल्टर शुदा रिफाइंड शुदा वो नमक खा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी ब्लड प्रेशर लो और तेज हो रहा है। पहले वो बबूल कीकर टाली नमक और कोयले के साथ दांत साफ किया करते थे और बुढ़ापे तक चबा चबा कर खाते थे। अब हम कोलगेट और सेंसोडाइन वाले भी, सेंसिटिविटी के ब्रांड्स वाले भी, हम तमाम लोग आए रोज डेंटिस्ट के चक्कर लगाते हैं। पहले वो माए जो 5-5, 6-6 बच्चों को घर में पैदाइश जिनकी होती थी, उसके बाद भी 80-70 साल की उम्र में खेतों में जाके काम किया करती थी, और अब पहले हफ्ते बच्चे की पैदाइश का जब पता चलता है, पहले हफ्ते से लेके आखिरी हफ्ते तक डॉक्टर्स प्रॉपर चेकअप करते हैं, लेकिन बच्चे ऑपरेशन से हो रहे हैं। पहले वो नब्स पकड़कर बीमारी बता दिया करते थे, दवाई दे देते थे, और अब इतनी बड़ी लेबोरेटरीज के बाद भी डायग्नोस नहीं हो रहा कि बंदे के अंदर बीमारी कौन सी चल रही है। पहले बुजुर्गों के घुटनों और कमर में दर्दें कहां होती थी, अब हम जवानी में कमर और घुटने पकड़ के बैठे हैं। जरा थोड़ा सा कंपैरिजन तो बनता है ना, कि पहले लोग वो जो काला गुड़ होता था उसकी बनी हुई मिठाइयां भी बड़े शौक और जौक से खाते थे, और अब खाने से पहले बता दिया जाता है कि शुगर है। जब इन तमाम चीजों का खाता करते हैं तो फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि इंसान ने तरक्की की है या जवाल पजीर हो गया है। पहले एशिया की यूं फरवानी नहीं होती थी, कभी कभार घर में गोश्त पका करता था, एक एक बोटी हिस्से में आती थी, लेकिन लोग खुश थे। एक एक जोड़ा हुआ करता था नया, जो किसी शादी ब्याह पे पहना जाता था, लेकिन फिर भी एक दूसरे के लिए वो इसार का जज्बा होता था कि तुम पहन लो, मैं कोई दूसरा पहन लेता हूँ। मुझे याद पड़ता है हमारे गांव में जब किसी की बहन बेटी की शादी होती थी तो लोग अपना दूध उनके घर दे आते थे कि आज उनके घर मेहमान आने वाले हैं। जब किसी के घर कोई मेहमान आता था तो इर्द गिर्द वाले ये शिकायत करते थे, अपने मेहमानों को आप हमारे घर भी लेके। लोगों के बड़े दिल हुआ करते थे, एक दूसरे के दुख दर्द सांझे हुआ करते थे, लेकिन अब इंसान ने तरक्की नहीं जवाल पजीर हो गया है। दिखा दे ऐ तसव्वुर मंजर वो सुफ़ो शाम तू, दौड़ पीछे की तरफ ऐ गर्दिशे आयाम तू, तेरी सोच तेरे शहर की तंग गलियों जैसी, मेरा दिल कुशादा है गांव के आंगन की तरह। सलाम पहुंचे।